उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के करमो फजल से और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम इंशाल्लाह मटन कोरमा बनाएंगे। आप लोगों ने मटन कोरमा बनाने की बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी, आप लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि आप लोगों ने हमें मटन की बहुत प्यारी प्यारी और मज़े मज़े की यूनिक सी रेसिपीज बना के दिखाई हैं और हमें सिंपल सा मज़ेदार सा मटन कोरमा बनाना भी सिखाएं। चलें मटन कोरमा बनाते हैं। और मटन कोरमा बनाने से पहले पहले आपको एक बात बताता चलूं कि ये रेसिपी जैसा आप लोग रेस्टोरेंट्स में देखते हैं, बाकी यूट्यूब चैनल्स में वीडियो देखते हैं, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाली है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल एक्यूरेट और अच्छी बन सके। चलें स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, हंडिया को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, अब इसमें ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना काफ़ी है? जी व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें कुछ मसाला जार डालेंगे, एक जवत्री का फूल है, थोड़ी सी दालचीनी है, एक बादियान का फूल है, एक मोटी इलायची है, 2 से 3 लौंग है, इन्हें डाल देंगे और 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। अब इन चीज़ों को घी में हल्का सा भुनेंगे। जी व्यूअर्स, मसाला जात अच्छे से भुन चुके हैं, अब इसमें मटन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका कलर चेंज होने तक इसे भी भुनेंगे ऑयल में। जी व्यूअर्स, मटन का कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें प्याज डाल देंगे कटा हुआ। ये कोरमा बन रहा है, इसमें थोड़ा प्याज ज़्यादा डालते हैं, इसलिए आपने 3 प्याज काट लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 2 ही दरमियाने साइज टमाटर काट लेने हैं, तो वो डाल देंगे। लहसुन ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। और 3 से 4 गुटलियाँ इमली की डाल देंगे, इससे एक बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है, आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इन चीज़ों को हिला लेंगे, 1-2 मिनट तक बस पकने देंगे, ज़्यादा नहीं। जी व्यूअर्स, 2 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि गोश्त ने पानी कितना अच्छे से छोड़ दिया है, अभी ये मज़ीद छोड़ेगा पानी। और अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे ऊपर से 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। याद रखें आँच नीचे आपने लाइट रखनी है, फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। और ऐसी हंडिया वगैरह को कोशिश किया करें कि मिट्टी के बर्तन में पकाया जाए, इससे टेस्ट हंडिया का दुबारा हो जाता है। चलें 1 घंटे के बाद मिलते हैं आपसे। जी व्यूअर्स, अब 1 घंटे से थोड़ा ऊपर टाइम हो चुका है, मैंने इसको 1 घंटे के बाद देखा था तो अभी प्रॉपर गोश्त गला नहीं था, तो इसलिए मैंने इसे 10 से 15 मिनट मज़ीद गलने दिया। चलिए अब चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह माशाल्लाह, खुशबू तो बहुत प्यारी है। अब इसके नीचे थोड़ी सी आँच तेज़ कर लेते हैं ताकि इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो और इसे भुने। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, अब ये भूनने के मराहल में। जी व्यूअर्स, गोश्त तकरीबन आधा भून चुका है, अब इसमें 1/2 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया डाल देंगे और 2 से 3 साबुत ग्रीन चिली डाल देंगे। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह गोश्त अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें ग्रेवी करनी है। और ग्रेवी करने के लिए हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, दूध डालेंगे 1 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ये रेसिपी डिफरेंट होने वाली है। अब 2 से 3 मिनट पकने देंगे। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट पक गया, अब इसमें धनिया ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, धनिया डाल दी है, अब फ्लेम ऑफ कर देंगे नीचे से और 2 से 3 मिनट के लिए इसे ऊपर से कवर कर देंगे और उसके बाद डिश आउट करेंगे। और डिश आउट करने के बाद आपसे मिलते हैं। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से कोरमा तैयार कर लिया है, आप देखें माशाल्लाह कितना गुड लुकिंग है, कितना मज़े का बना है, कितना प्यारा लग रहा है।
जी व्यूवर, जैसा कि आपने देखा कितने मजे का कोरमा तैयार हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हमें अच्छे अच्छे कमेंट करें। आपकी तरफ से यही हमें प्यार होता है। इसी के साथ आज की रेसिपी का अख्तिताम करते हैं। अपना और अपने गिर्दोनवा के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।